first time you see a leopard, the leopard has seen you 25 times before that. Pagadi. सही में यार मेरे को रोना आ रहा है. Lift it. Ready, 1, 2, 3, up. Very good. मेरे भी ऐसे हो गया कि यार अभी मैं अपने फैमिली को चेहरा दिखाऊंगा नहीं दिखाऊंगा. 2, 1, 2. मगर ये क्या हो गया? ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग करने के बाद अब बारी है मेन पड़ाव की और इस ट्रेनिंग को बोलते हैं हेल नाइट. सर मैंने कुछ सुना. रिलैक्स रिलैक्स एंड जस्ट स्टैंड स्टिल. जस्ट डोंट वरी. कुछ था. रिलैक्स. स्विच ऑफ द कैमरा. स्विच ऑफ द लाइट्स. If you encounter a leopard on the way, you just freeze and stand still. You know, these animals, they reckon the power of the animal in front by its height. So, you are more dangerous for him than he is dangerous for you. The first time you see a leopard, the leopard has seen you 25 times before that. Sir, कुछ तो था. मेरा तो बस पहला था, भागो. मेरे तो सांस अभी तक भी ऐसे हैं. तो सर अब इतने अंदर जंगलों में आ ही गए हैं. व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या करेंगे अब? अभी और सिचुएशंस है ना. अभी अगर आपका टीम में कोई कैजुअलिटी हो जाए तो चलने से मजबूर हो जाए, मतलब इफ ही कैन नॉट वॉक. अच्छा, तो हाउ विल यू हेल्प दैट? आई विल हैंड यू ओवर टू मरीन कमांडो विक्रम पुजाला, हु हैज सीन द ऑपरेशंस ऑफ 2611 एंड ही विल गिव यू सम टिप्स ऑन हाउ टू कैरी अ कैजुअलिटी. ओके. उन्होंने उसी ऑपरेशन में एक्चुअली एक अपने कॉमरेड को, अपने साथी को जो है उठा के नीचे लाए थे, तो वो आपको कई तरीके बताएंगे. देखो देख रहे हो? हाँ. ये मतलब मैं इसलिए कि मेरे लिए कितनी फ़ख्र की बात है कि आपके सामने खड़ा होना और आपसे कुछ सीखना. थैंक यू सो मच सर. अरे सर मैं मतलब कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं एक सिविलियन होने के नाते कि मतलब आपका हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल है. जब जंगल में आप लोग चलते हो तो कोई ना कहे तो कोई इंसिडेंट होता है, कोई अनकॉन्शियस होता है, कोई इंजरी होता है. अगर मान लीजिए सर, अगर यदि आप दो लोग हैं, एक बड़ी इंजरी हो गया, हाँ, उनको कैसे लिफ्ट करके लेकर जाना है वो टेक्निक मैं आपको बता दूंगा. सबसे पहले यहाँ पे ऐसे, यस सर, और सीधा सेंटर में यहाँ पे पाँव लगाइए, हाथ लगाइए. यस, 1, 2, 3 अप. बहुत बड़े सर, इस टाइप का जो आज जो है यहाँ पे आप यहाँ पे लॉक होना चाहिए. अदर हैंड जो आपका फ्री रहेगा, जिसके पास से आप जो वेपन लेके भी आराम से चल सकते हो. अगर कहीं फायर भी करना है तो आप आराम से फायर भी कर सकते हो. बेसिकली मेरा ये हाथ फ्री रहेगा, हाथ फ्री रहेगा. और इन्होंने मुझे यहाँ से पकड़ लिया, बैक सपोर्टिंग किया आपको, तो थोड़ा आराम से, यस, आसानी होगी, आसानी से आप आराम से लेके जा सकते. 1, 2, 3 अप. बहुत बड़े सर, बहुत बड़े. आगे से लॉक, यस, इस टाइप का भी आप जो आराम से कहीं पे भी आप दूर तक लेके जा सकते हैं. मोर देन 500 to 1 किलोमीटर तक भी आप आराम से कैरी कर सकते हैं सर. यहाँ पे मुझे यहाँ पे एल्बो पकड़ी सर, यहाँ पे. तो ये हो गया लेडर कैरी. यहाँ पे दिखाया सर, लेडर, लेडर जैसे हो रहा है. अच्छा, लेडर कैरी, लेडर कैरी. ओके. अगर मान लीजिए नीचे बैठिए सर, प्लीज नीचे बैठ जाइए. यस, इस टाइप का यहाँ पे आप बैठ जाइए. अच्छा, 1, 2, 3 अप. इस टाइप का मान लीजिए उनका लेग इंजरी है, हेड इंजरी हो, कोई भी बैक इंजरी हो, इस टाइप का आप जो है कैरी करके आप आराम से दूर तक लेके जा सकते. सब क्लियर हो गया? अगर इसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है, जस्ट होल्ड दिस थिंग. दिस इज कॉल्ड चेन कैरी. चेन कैरी, चेन, चेन दिख रहा है? 1, 2, 3 अप. इस टाइप का सर. तो आराम से आप जो है कैरी करके, ये हाथ भी फ्री. yes, हो गया फ्री ना? एक कमांडो 10 के बराबर होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, जो फिजिकली फिट, मेंटली टफ, वही कमांडो बन सकता है सर. ठीक है, हम ट्राउजर को निकाल नहीं सकते सर, इसलिए जो है टी शर्ट निकाल दिया. ठीक है, एक टी शर्ट, दूसरा कमांडो आ गया, दूसरे कमांडो दोनों हाथ से पकड़ लिया, उससे भी आप जो है यहाँ पर निकाल सकते हो. तीसरा कमांडो आ गया, तीसरा कमांडो स्टिक को पकड़ के रखा, तो उसको टी शर्ट निकाल दिया. आई एम लिफ्टेड, रेडी, 1, 2, 3 अप. बहुत बड़े सर, क्योंकि इसका जो सपोर्ट जो होता है साइड वाला, हाँ, वो बहुत ही सपोर्ट मिलता है इसका. ठीक है सर, मैं सीखने के साथ साथ ये मौका तो नहीं छोड़ूंगा. जी सर. कि 26/11 के समय में आप रेस्क्यू टीम में थे. जी सर. तो आप कुछ अपना एक्सपीरियंस बताओ कि आपको डर नहीं लगा सर, जब आपको पता चला अंदर टेररिस्ट हैं और आपको जाना है? जी सर. तो हम लोग जो जब 26/11 जब टेरर अटैक हुआ था, उससे मेरे एक हफ्ते पहले मेरे शादी हो चुका है. तो एक हफ्ते पहले शादी हुई थी? एक हफ्ते पहले शादी हो चुका था. जिस टाइम पे ड्यूटी पे रिपोर्ट किया था, उसी शाम को मैसेज मिला कि मुंबई के कुछ वहाँ पे कुछ गैंग वार चल रहा है.
हमारी पूरी टीम सर जो बाई बोट JNPT के पास हम लोग रहते थे, मार्कोस का टीम हमारा मदर बेस है, वहाँ से हम लोग बाई बोट आ रहे थे। ओके, तो आधे रास्ते में ये मैसेज मिला कि कोई गैंगवार नहीं चल रहा है, आप अपने शिप सबमरीन को बचाने से वाला सीधा आप लोग गेट ऑफ इंडिया के पास पहुँच जाइए, वहाँ पे दो टेरिस उस्ताज पैलेस होटल के अंदर घुस गया। जैसे ये सब सुनते सर हमारे के सबको जो है ऐसा हो गया कि यार मेरे भी ऐसा हो गया कि यार अभी मैं अपने फैमिली को चेहरा दिखाऊंगा नहीं दिखाऊंगा, अपनी फैमिली के साथ फिर मिलूंगा नहीं मिलूंगा, ये पूरे मेरे दिमाग के अंदर चल रही थी। जैसे हमारे दूसरे प्रहार, प्रहार मीन्स 8 कमांडोज होते हैं, वो ऊपर से स्लेदर डाउन करने के लिए अंदर एंट्री कर रहे थे, हम लोग जो नीचे से अंदर जाने वाले थे, टोटल 50 कमांडोज वहाँ पे पहुँच चुका था सर। तो हम लोग स्टैंड बाय गो बोले थे, तभी भी हम लोग जो है मेरे दिल में ये था कि कैसे होगा, कैसे लोग क्या होगा, मैं घर वापस जाऊँगा नहीं जाऊँगा, बिकॉज इट्स अ डू और डाई सिचुएशन, मरना या मारना होता है। मैं सर एक्चुअली जब भी आप बात कर रहे हो ना जी सर, मेरे गूज बम्स आ रहे हैं ये सुन के। मैं एक्चुअली सर आप बोल रहे हो ना मेरे सच में, नहीं सच में यार सुजीत मेरे को रोना आ रहा है यार। मतलब हाँ मतलब एक आदमी कितना कुछ होने के बाद भी, तो सही में यार मेरे को रोना आ रहा है। एक्चुअली मेरे ना पहला एक्सपीरियंस है सर ऐसे किसी कमांडो के साथ खड़े होना जी सर, और फिर वो जब इन पर्सन वहाँ थे, और मतलब मुझ पता नहीं हम एहसास कर सकते हैं कि कैसा कुछ हुआ होगा। और सोचो उस मतलब परिवार से के चिंता करे बिना अपने देश के लिए खड़े रहना और सिविलियन के लिए खड़े रहना, तो मैं आपको सैल्यूट करना चाहता हूँ सर। थैंक यू सर, सैल्यूट मेरे तरफ से, हर सिविलियन की तरफ से, इस कैमरे में जितने भी सिविलियन इस वीडियो को देखेंगे हर एक इंसान आपको सैल्यूट करना चाहता है। तो हम लोग सर ये जो हेल नाइट जो है, हेल नाइट बोलते हैं 3 डेज विदाउट स्लीप विदाउट फूड विदाउट वाटर हम लोग जहाँ पे ट्रेनिंग करवाते हैं, जब मार्कोस बनना है या फिर कोई कमांडो बनना है, ये 3 दिन तक जो है आपको सोने नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे, पानी भी नहीं देंगे। तो उसको, आपको उसको हेल नाइट बोलते हैं, जिसे उसके नाम से हेल नाइट है। कमांडोस कभी भी जंगल में जाते हैं, हमेशा वी ऑलवेज अप्लाई द 3 फार्मूला, 3 आवर्स विदाउट शेल्टर, 3 डेज विदाउट वाटर, 3 वीक्स विदाउट फूड, यू कैन सर्वाइव इन द जंगल। ये 3 फार्मूला हमेशा हम लोग याद रखते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जंगल को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट एक्चुअली हम कमांडोज की लाइफ में थोड़ा डाइव इन करने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ। और मेरा जो ये एक्सपीरियंस है वो मैं इस वीडियो में शेयर नहीं कर पाऊँगा, बट आप सभी सिविलियन हर कमांडो की हौसला अफजाई के लिए नीचे कमेंट में जय हिंद ज़रूर टाइप करो, बस इतना कर रहे हैं। थैंक यू। आग ऐसी चीज़ है जिससे जंगल का हर एक जानवर डरता है। अच्छा, तो अगर आप आग जला लेते हैं तो आपका मतलब वो सुरक्षा कवच बन जाता है एक। तो हाउ डू यू लाइट फायर इन द जंगल, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको। अगर दिन का उजाला है तो आग जलाने के कई तरीके हो सकते हैं। आप आपके बायनोकुलर्स, अगर आप पिकनिक के लिए आए हुए हैं जंगल में तो बायनोकुलर्स को यू नो दे एक्ट लाइक अ लेंस, तो सूरज की किरणों को कॉन्सेंट्रेट करके उससे आप आग लगा सकते हैं। अगर आपके पास पानी की बोतल है कोई, उसकी मदद से भी आप यही काम कर सकते हैं। पानी की बोतल से क्या? पानी की बोतल यू नो पानी जो होता है वो भी लेंस की तरह काम करता है। अच्छा, पानी की बोतल ना हो तो एक पॉलीथीन बैग फुल ऑफ वाटर विल आल्सो वर्क लाइक अ लेंस। तो वो 2-3 तरीके मैंने बताए जो सिर्फ दिन में काम आ सकते हैं। हाँ जी। फिर एक तरीका होता है जो कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवुड एंड सॉफ्ट वुड, जैसे पुराने जमाने में आपने कारपेंटर्स को देखा होगा वो कैसे यू नो दही मथने वाले तरीके से छेद करते थे लकड़ी के अंदर, तो इस तरीके से इसके अंदर भी यही होगा। इसके अंदर पहले लकड़ी का बुरादा बनेगा, फिर वो बुरादा गर्म होते होते स्मोक करने लगेगा। तो यहाँ के लिए आपको यू नो आपकी कार में या आपकी बाइक में जिस पे भी आप ट्रैवल करते हो उसके अंदर एक सेट रखना चाहिए फायर स्टार्टर का। ऐसे होते हैं, ये 2 पीसेस होते हैं उसके अंदर, करके दिखाओ इसके अंदर। ऐसे इसके 2 स्पार्क निकलते हैं। हमने सिर्फ आपकी सुविधा के लिए रखा है, यहाँ पे जंगल में आपको कॉटन नहीं मिलेगा। वेरी गुड, हुआ हुआ वेरी गुड वेरी गुड। कमांडोस कभी कभी क्या करते हैं जंगल में, हमेशा जब भी जो घूमने के लिए जाएंगे तो इस टाइप का मूंगफली के भी लेके जाते हैं। देखिए ये क्या, ये दिस इज खरगोश का ट्रॉपिंग, तो उसको भी आप आराम से खा सकते हो। खा सकते, देखिए सर दिस इज द खरगोश ड्रॉपिंग 1 2 3। अच्छा, अभी आप बताइए जंगल में कुकिंग कैसे करेंगे?
बट आग तो जलानी सीख लिया। आग तो जलानी आपने सीख लिया। कुछ बॉल्स हैं अभी, इनमें से कुछ बॉल्स के अंदर अंडे हैं, तो आपने इसको मिट्टी से लपेटा है। इसे लपेट के फिर आग में डाल देना, तो फिर ये चारों तरफ से बराबर बराबर हीट होके कुक हो जाएगा। जंगल में तो ऐसा ही कुछ होगा, तो अंडे अगर आपको जंगल में मिल जाए और आग जलानी आ जाए तो उसको खाने का इंतजाम हो सकता है। मिट्टी लपेट के वो आग में रख दो। ऐसे यस धीरे धीरे करते रहेंगे। हाँ। उस स्पिल नहीं होगा, नहीं तो फिर क्या होगा, पूरा नीचे गिर जाएगा। और पत्थर को गर्म भी करना पड़ेगा ना जी। आपको यहाँ पे ऑमलेट नहीं बन पाएगा। क्यों तो नहीं ऑमलेट नहीं बनाना सर, भूख मिटानी है अब तो बस। ऑमलेट इसलिए नहीं बनेगा, अगर ऑयल होगा तो ऑमलेट बन सकता है। सर बट अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं कि कोई नहीं जला पाया आग, नहीं मिला कोई फ्रूट और नहीं है एग्नी मिले, और तो क्या करें, मतलब भूखा रहे मर जाए। भूखा तो नहीं रहना है। यहाँ पे आप एग जो है, जितने भी एग, जो भी एग्स आप खा सकते हो, स्नेक को भी आप खा सकते हो। इट्स अ लाइव क्रैब। पकड़ी पकड़ी यस। जो आपके सामने से जो क्रैब जा रहा है उस क्रैब को आपने पकड़ लिया। मतलब मैंने लाइफ में पहली बार ऐसे देख रहा हूँ प्रैक्टिकल, किसी ने वो खा लिया। यू गेट मोर प्रोटीन्स, मोर प्रोटीन। तो सर ने तो लाइव क्रैब खा लिया और हमने काफ़ी कुछ सीख लिया, पर मैं सच बताऊँ, देखो इन सब में हमें 3:22 हो चुके हैं, तो मैं जा रहा हूँ सोने, पर सुबह मिलूँगा आपसे और फिर आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो एक रात जंगलों में बिताने के बाद, सांप बिच्छू केकड़े ये सब देखने के बाद और ये एहसास करने के बाद कि अगर तेंदुआ आसपास हो तो भाई बहुत फटती है। और अभी समय 6:17 हो चुके हैं, बट सच बताऊं नींद तो नहीं आई। और अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो इस रात के बाद मुझे ये तो समझ में आ गया कि इसको हेल नाइट क्यों बोलते हैं। और ये तो एक रात की बात थी, पर मैं हर कमांडो को सैल्यूट करना चाहूँगा, उनके जज्बे को, जो ऐसी कितनी रातें और इससे भी घने जंगलों में काट देते हैं। तो उनके जज्बे को सलाम है। आई होप आप मेरे साथ साथ इस रात को एक्सपीरियंस कर पाए हों, बट कैमरे पर देखना और इसको एक्चुअली एक्सपीरियंस करने में बहुत डिफरेंस है। ये था हमारा वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हर वीडियो की तरह पसंद आएगा, बट ये वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है, हम काफ़ी टाइम से करना चाहते थे, तो थैंक यू हो गया। अब मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि कमेंट बॉक्स में आप जय हिंद ज़रूर टाइप करें, उससे मेरा, मेरी पूरी टीम का हौसला बढ़ेगा। और आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपके अंदर की देशभक्ति थोड़ी और बढ़ी। मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा डेटा रिजॉर्ट का, जो कि लोनावला में है, जिन्होंने हमारे लिए ये स्पेशली प्लान किया, जिसकी वजह से हम आपको टफ मिलिट्री ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस करा पाए। बट आप सभी लोग भी एज ए सिविलियन, बच्चे हों चाहे कॉरपोरेट में जॉब करने वाले हों, वहाँ पर जा सकते हैं, बिकॉज ये एक मिलिट्री थीम बेस्ड लग्जरी रिजॉर्ट है। तो आप सभी लोग लग्जरी का आनंद तो ले ही सकते हो, साथ में ये आपको कराते हैं बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिनको एक्सपीरियंस करके आप सर्वाइवल स्किल सीख सकते हो।